ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन कौर की मां दिलीप कौर का बीती रात निधन होने के बाद उनकी पार्थिव देह को परिवार के सदस्यों ने शुक्रवार को मेडिकल छात्रों की रिसर्च के लिए जीआरएमसी के एनाटॉमी विभाग को दान किया है। इससे पहले दिलीप सिंह कौर की आंखें रतन ज्योति नेत्रालय में सुरक्षित रखवा दी गई हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि दिलीप सिंह कौर जी के पति की आंखें भी मृत्यु उपरांत दान कर दी गई थी। क्या शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम करण जगजोत सिंह है और हम यहाँ पे मेरे दादी श्रीमती दिलीप कौर की जो पार्थिव शरीर है वो दान देने के लिए आए थे। उनकी सुपुत्री हैं डॉक्टर मनमोहन कौर जो इसी कॉलेज से रिटायर हुई हैं और उनके सुपुत्र सरदार महेंद्र पाल सिंह, उनकी एक और बेटी श्रीमती निर्मल कौर। उन्होंने निश्चय डिसाइड किया कि हम इसको मेडिकल रिसर्च के लिए इस कॉलेज में दान दे देंगे ताकि यहाँ पे स्टूडेंट्स उस पर पढ़ाई कर सकें। ये कानून यहाँ पे 2000 में आया था बॉडी एक्सेप्ट करने का, पर पिछले 22 सालों में सिर्फ 30 बॉडी यहाँ तक लोगों ने दान दी। और दिलीप कौर जी जो मेरी दादी हैं उनकी आंखें भी कल दान कर दी गई हैं रतन ज्योति अस्पताल के अंदर। और ये हमारे परिवार में एक प्रचलन है क्योंकि मेरे पिताजी की भी आंखें भी दान की गई थी, तो ये हमारे परिवार का दृढ़ निश्चय है कि इस तरह बॉडी देते रहें ताकि वो छात्रों के और डॉक्टरों के काम आ सकें। धन्यवाद।